अब जैसे ही मैं इस पेन को उठाता हूँ मुझे मिलता है ये। भाई साहब मतलब ये इतनी देर से कैंप कर रहा था और भाई अब जैसे तैसे करके मैं इस बंदे को पेल देता हूँ और फिनिश भी कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पर आती है वही मक्खी जिससे मतलब बंदा मक्खी बन जाता है इस मशीन से। अब इसको मैं पेलता हूँ पेन से, क्योंकि इसको पेन से पेला जा सकता है और गन से पेल के देखेंगे इस बंदे को, लेकिन अभी हाल फिलहाल पेन से पेल के देखेंगे। अब ये बंदा पता नहीं इसका नेट ग्लिच था तो टेलीपोर्ट होने लग रहा था एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन इसको लेकिन पैर यार कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। मैं पेन को मारने की बहुत कोशिश की लेकिन पेन कनेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया चलो डीपी से पेल के देखते हैं। अब पबजी में जब भी कोई नया मोड आता है तो बंदे जान पूछ कर वहीं पर कूदते हैं, क्योंकि भाई उन्हें भी नया मोड यूज़ करना है और आप सभी को भी। अब जैसे कि मैं बहुत देर से गेम खेल रहा था और मैं भाई वहां पर जा कूदते ही मैं फिनिश हो रहा था, क्योंकि भाई वहां पर बहुत सारे बंदे कूद रहे थे और हमारा डिवाइस भी कुछ ऐसा है कि नहीं झेल पाता यार इतने बंदे, इसलिए मैंने इस मैच को सोलो लगा लिया। तो इस मैच की शुरुआत होती है इस लैब से। तो इस लैब की छत पे मैं सबसे पहले कूदता हूँ और मेरे साथ एक बंदा भी कूदता है और वो भाई साहब मतलब मेरे पीछे पड़ जाता है और जैसे तैसे करके मुझे एक गन मिल जाती है और वो बंदा भाई साहब मतलब भाई मुझे मुक्कों से पेलने की कोशिश कर रहा था भाई, मतलब क्या कुछ भी। अब यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं और आप देख सकते हो मेरा डिवाइस कितना लैग हो रहा है और बंदे के फुटप्रिंट्स देखो आप कितने सारे बंदे हैं। और मैं यहाँ पर सबसे पहले लूट करता हूँ और फिर और बंदे को पेलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ये बंदा जो है इंसेक्ट बनने के लिए ट्राई कर रहा था जिस जो कि इस मशीन से बनते हैं इंसेक्ट। अब इंसेक्ट बनने के लिए आपको इस मशीन में सबसे पहले जाना पड़ता है और वहाँ पर कुछ कोड वगैरह डालना पड़ता है जो कि भाई मतलब कोई दूसरा बंदा आपको आसानी से पेल सकता है अगर आप कोड वगैरह डालोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ के सारे बंदों को क्लियर करेंगे और यहाँ पर पबजी वालों ने बहुत सारे जानवर भी रख रखे हैं इस लैब में। अभी यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं और एक एक करके सारे बंदे मेरे ऊपर पुश करेंगे और आप देखना मैं किस तरीके से बंदों को पेलता हूँ। अब सबसे पहला बंदा आता है, मतलब पहला बंदा नहीं, मैंने दो बंदों को पेल दिया था। अब तीसरा बंदा आता है शॉट गन लेके, भाई मतलब मेरे पास भी शॉट गन उसके पास भी शॉट गन, आप देखो किस तरीके से पेल दिया इसको भाई, इसको आसानी से पेल दिया शॉट गन सही। उसके बाद मैं आता हूँ इंसेक्ट बनने के लिए इस मशीन के अंदर और मैं ट्राई करता हूँ इंसेक्ट बनने के लिए और ये यहाँ पर मेरा प्लेयर कुछ टाइप कर रहा है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और भाई मतलब मैं इंसेक्ट नहीं बना भाई, मतलब क्यों, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है मैंने बहुत मैच ट्राई किए लेकिन ये मेरा प्लेयर इंसेक्ट नहीं बन पा रहा और मेरे टीममेट्स बन जाते लेकिन मैं नहीं बन पा रहा। तो मुझे तो ये ग्लिच लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारे मैच ट्राई किए लेकिन मैं इंसेक्ट नहीं बन पा रहा था। और आप बन पाए या बन नहीं बन पाए इस मोड में इंसेक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ अगर मुझे इसके रिलेटेड कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटा आता है उसको भी दबा दें। अब यहाँ पर कोई बंदा टेलीपोर्ट होकर दूसरी लैब में से यहाँ पर मेरे पास आ जाता है इंसेक्ट बन के। तो भाई मतलब इस इंसेक्ट को देखो, अब इसको मैं डैमेज देने के लिए ट्राई करता हूँ लेकिन इसको एक भी गोली नहीं लगती क्योंकि ये मतलब इतना छोटा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया कि मुझे पेन से पेलना है इस इंसेक्ट को, तो इसलिए मैं पेन निकाल लेता हूँ और देखो मैं किस तरीके से पेलता हूँ। पहला शॉट कनेक्ट होता है, दूसरे शॉट में ये बंदा मतलब फिनिश हो जाता है। ये गुरु नाम का कोई बंदा था जो कि इंसेक्ट बन गया था और भाई मतलब ये हमें आके लूट भी दे गया, सब कुछ दे गया, तो थैंक यू। और यहाँ पर कुछ हमें इसके सन वगैरह भी मिलते हैं जिनसे हम गन खरीद सकते हैं, देखो आपको मैं दिखाता हूँ मशीन के पास जाकर। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी गन मिल जाती हैं लेकिन उनके लिए कुछ पॉइंट होते हैं वो आपको इकट्ठे करने पड़ते हैं। जैसे अब मेरे पास 110 पॉइंट्स हैं, उनसे मैं गन वगैरह सप्रेसर वगैरह एमओ जो भी स्कोप वगैरह है उनको आसानी से यहाँ से बाय कर सकता हूँ। तो बस इतना सा ही है इस मशीन का यूज़, यहाँ से मेडिकेट वगैरह भी आप अटैचमेंट वगैरह गन की सब कुछ खरीद सकते हो। अब सामने की ओर दो बंदे जो कि आपस में लड़ रहे थे और भाई मतलब मैं उनका किस तरीके से फ़ायदा उठाता हूँ वो देखो। सबसे पहला बंदा आता है उसके कुछ करने जा रहा होता है और मैं इसको मतलब इतना डैमेज देता हूँ लेकिन ये बच जाता है भाई, मतलब फिर ये बंदा यहाँ पर जाके लेट जाता है और ये बंदा आसानी से फिनिश हो जाता है। लेकिन ये जो दूसरा वाला बंदा है वो मुझे किस तरीके से परेशान करता है वो आगे देखो आप इस वीडियो में। अब सामने वाले घर में दूसरा वाला बंदा होता है और यहाँ पर एक बॉट होता है, तो इस बॉट को मैं पेलता नहीं हूँ अभी हाल फिलहाल, लेकिन भाई दूसरा वाला बंदा पेलना नहीं, इस बॉट को पेलना पड़ता है और वो वाला बंदा सामने की ओर है,
को देखो भाई, मतलब इतना स्प्रे देने की क्या किया, मतलब ये यहाँ पर कोई इनविजिबल दीवार है लेकिन उसने मुझे शॉट कनेक्ट कर दिए, तो ये मतलब क्या ही ग्लिच है यार। मतलब आपको क्या लग रहा है, ये मतलब ग्लिच था कि या फिर कुछ? हाँ ग्लिच ही होगा वैसे तो। तो अब भाई मुझसे वेट नहीं होता, मैं हील वगैरह करके इस बंदे पर पुश करता हूँ और किस तरीके से पेलता हूँ अब वो देखो आप। तो हम आ जाते हैं इस वाले घर में जिस घर में ये बंदा था, और ये बंदा था मेरे ठीक ऊपर, तो मुझे पता थी ये बंदा मेरे ठीक ऊपर है, इसलिए मैं इस पर आग फेंकता हूँ और फिर देखो आप। और ये बंदा भाई साहब इतना होशियार निकलता है जो कि आग से भी बच जाता है। फिर मैं इसके ऊपर पुश करता हूँ और तो यहाँ पर ये आखिरी वाला बंदा भी फिनिश हो जाता है। तो यहाँ का सारा एरिया मैंने क्लियर कर दिया, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं गाड़ी की तलाश में। तो ये बग्गी मुझे 200-250 किलोमीटर दूर मिलती है, लेकिन मिल जाती है। खैर चलो, पबजी वालों ने स्पॉन तो कर दी। मैं कह रहा था कि मुझे तो पैदल पैदल जाना पड़ेगा दूसरी वाली लैब पर। अब हम जाते हैं दूसरी वाली लैब पर और वहाँ पर लॉन्डो को किस तरीके से पेलते हैं वो देखो आप। तो फाइनली ये बंदा आखिरकार पिल ही जाता है भाई। मतलब ये बंदा इतनी मैराथन की दौड़ लगा दी इसने, मतलब थोड़ा सा डैमेज लेके पूरा मुझे पूरी लैब की छत पर ले आया। अब यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि बहुत देर से कैंप कर रहा था, लेकिन मुझे उसका साउंड नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद आ भी जाता है और यहाँ पर फुटप्रिंट भी आया। तो ये बंदा यहाँ पर आ जाता है और भाई सब इसको किस तरीके से भाई, मतलब यहाँ पर मेरा डिवाइस किस तरीके से रेंडर हुआ आप देख सकते हो, वरना मैं इस बंदे को आसानी से पेल सकता था अगर मेरा डिवाइस बिल्कुल भी रेंडर ना होता। तो खैर छोड़ो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में जो घंटा आता है उसको भी दबा देना।